दोस्तों आज सुनते हैं चींटी और कबूतर की कहानी। गर्मियों के दिन थे, एक जंगल में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। प्यासी चींटी को काफ़ी देर भटकने के बाद एक नदी दिखी। नदी को देखकर चींटी बहुत खुश हुई। प्यासी चींटी पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ी, पर वहीं फिसलकर नदी में गिर गई। नदी में गिरने के कारण चींटी पानी में डूबने लगी। नदी के पास एक कबूतर रहता था। वह पेड़ पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। उसने जैसे ही देखा कि चींटी को मदद की ज़रूरत है, वह उड़कर गया और पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले आया। इसके बाद उसने पत्ता पानी में गिरा दिया, जिससे चींटी तैरकर पत्ते पर चढ़ गई और पत्ता बहते बहते नदी के किनारे आ गया। इस तरह से चींटी किनारे पर आई और उसकी जान बच गई। इस घटना से चींटी और कबूतर में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों खुशी से साथ साथ रहने लगे। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने पेड़ पर कबूतर को बैठे देखा और बंदूक निकालकर कबूतर की तरफ निशाना लगाने लगा। लेकिन पास में मौजूद चींटी ये सब देख रही थी। उसने तुरंत ही समझ लिया कि उसके दोस्त की जान खतरे में है। वह शिकारी के पास गई और पूरी ताकत से उसने शिकारी के पैर पर काटा, जिससे शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। इस सब में शिकारी के हाथ से बंदूक गिर गई। ये सब आवाज़ सुनकर कबूतर ने जैसे ही शिकारी की तरफ देखा, वह तुरंत वहां से उड़ गया और इस तरह कबूतर की जान बच गई। फिर कबूतर चींटी के पास गया और उसका धन्यवाद किया और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जीवन में किए गए नेकी और अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते, और जब कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो बिना देर किए हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का फल कभी न कभी ज़रूर मिलता है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, एक कमेंट छोड़कर अपनी राय ज़रूर दीजिए और अपनी दोस्त लोतिका को विदा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।